आलू की टिक्की बनाएंगे। इसके लिए हमें रात भर पहले मटर को भिगोना पड़ता है। ये हमने ग्रीन वाली मटर ली है, कभी कभी येलो वाली जो सफ़ेद मटर भी होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। और इसको हमने 3-4 सीटी में लेके बॉईल कर लिया है। कभी कभी एक सीटी में हो जाती है, पानी का फ़र्क होता है, हर जगह का पानी एक अलग तरीके का होता है। हाथ से हमने तोड़ के देख लिया है, पक गई है। इसको हम अब मथनी से अच्छी तरह से दबा दबा कर कुचल देंगे। आलू को हमने बॉईल कर लिया है, आलू को ज़्यादा बॉईल नहीं करें कि पानी उनमें भर जाए। फिर इसको हम अच्छी तरह से घिस कर रख लेंगे और इसमें 4 चम्मच डालेंगे अरारोट। हमने ये 1 किलो आलू से ज़्यादा आलू लिए थे। इनको अच्छी तरह से नमक डालकर मिक्स कर लीजिए। नमक हमें 1 चम्मच करीब डालना है, और नमक कम लगे तो स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अरारोट इतना ही पड़ा गया, अरारोट या कॉर्नफ्लोर दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। अगर वो भी चीज़ आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी मैदा लेके भी यूज कर सकते हैं, उससे टिक्की जो है क्रिस्पी बनेंगी और बहुत अच्छी बन के आएंगी। ये देखिए हमारा आलू का आटा पूरा तैयार हो गया है। आलू के जो छोटे छोटे गोले बनाकर इसके अंदर आप मटर भर लीजिए। मटर में मैंने धनिया मिर्च अदरक और थोड़ा सा चाट मसाला या जीरा मसाला डालकर आप इसको रेडी कर सकते हैं। जीरा मसाला हम अपने घर पर ही बनाते हैं, उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट द्वारा बताइए। टिक्की को मैंने भरकर रेडी कर लिया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से टिक्की बनाई जाती है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप हाथ पर पहले थोड़ी सी चिकनाई ले लें जिससे कि आलू चिपके नहीं, और गोल रोल करके उसको पिचका लीजिए और बीच के साइड में थोड़ा सा होल सा बना लीजिए, और 1-1 चम्मच भर के मटर को इसमें डालते जाइए और पैक कर दीजिए जैसे गोल लोई बनाते हैं। फिर उसको हल्का सा दबाकर इसको गोल साइज में दबी हुई पिचकी रहती है उस टाइप की टिक्की बना लीजिए, क्योंकि एकदम अगर खड़ी खड़ी जैसी गोल गोल बॉल जैसी बनाएंगे तो टिक्की सीखने में टाइम लगाएंगी। ऐसे ही टिक्की बनाएंगे तो आपकी टिक्की बहुत जल्दी सीख जाएंगी। एक तरफ से सुनहरापन दिखने लगे जब टिक्की को पलटें, जल्दी जल्दी टिक्की को नहीं पलटें नहीं तो फट जाती हैं। देखिए जो जो सीख गई हैं टिक्की उनको हम पलटते जा रहे हैं। एक साइड सीख जाए तो फिर आपको दूसरी साइड सेकना है। चारों तरफ ऑयल या घी का यूज़ कीजिए, आपका मन है आप जिस आइटम को यूज़ करना चाहें। ऑयल ऐसा लीजिए जिसमें कि स्मेल फ्री हो, जैसे सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं आप, राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं। और ये देखिए टिक्की का कलर कितना अच्छा आया है। कॉर्नफ्लोर डालने से यही फ़ायदा होता है, एक तो टिक्की फटती नहीं है और क्रिस्पी बनती है, और कलर भी बहुत अच्छा आता है और जल्दी भी सीखती हैं अगर हमने कॉर्नफ्लोर डालकर बनाई है तो। सिंपल आलू की टिक्की में वो बात नहीं रहती है, इसलिए कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालना है। मेरी तरह से ही आप टिक्की बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी टिक्की बनेंगी। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हम टिक्की की ड्रेसिंग कर रहे हैं, 2 टिक्की हमने रखनी है, उस पर मटर डाल दिए हैं, जो मैंने मसाला बताया था वही सब चीज़, धनिया मिर्च अदरक सब चीज़ डाल के हमने हरी चटनी बना रखी है और सौंठ की चटनी बना रखी है, वो भी हमने इसके ऊपर डाल दी है, और ज़बरदस्त टिक्की तैयार है। दीजिए आपके लिए मैं पेश करती हूँ, आप खाएँ अपने घर वालों को खिलाएँ। ये टिक्की मैंने माइक्रोवेव में डालकर आगे कभी भी हम खाना चाहें उसके लिए बनाई है, वही ही टिक्की है सेम, बस इसमें हम ट्रे में नीचे ऑयल लगा लिए, ऊपर भी ऑयल लगा कर ग्रीस कर दे रहे हैं, और दोनों साइड से ये टिक्की सिक जाएंगी। मैंने 170 डिग्री पर अपना माइक्रोवेव को गर्म किया है, और अब हम इसको 15 मिनट तक सेक लेंगे। एक साइड से नहीं सीख पाए तो दूसरी साइड पलट कर भी आप सेक सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग माइक्रोवेव एयर फ्रायर होते हैं तो उसमें अलग टाइप के ही फंक्शंस होते हैं, तो वो देखकर आप बना लीजिए, और इनको डिब्बा बंद करके फ्रीजर में रख लीजिए। जब आपका मन चाहे आप वो टिक्की निकालिए, तवे पर थोड़ा देर सेकिए और आपके लिए ये टिक्की रेडी हो जाएंगी। तो ज़बरदस्त ये तरीका है आगे उठाकर रखने का कि हम कम टाइम में मेहमानों को खिलाना चाहें, बच्चों को खिलाना चाहें तो आप कभी भी बनाकर खिला सकते हैं। ज़बरदस्त टिक्की बनकर तैयार हैं, और आप इनको ज़बरदस्त तरीके से जो बताया है
बनाते जाइए और खाते जाइए, खिलाते जाइए।